नमस्कार, मैं सीमा मलकानिया। मेरी किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अप्पे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक हल्का फुल्का नाश्ता है और ये एक साउथ इंडियन डिश है, तो जिसके पास अप्पे का सांचा नहीं है वो भी इनको बना के खा सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं उसके लिए क्या चाहिए। और मैं आपको दोनों तरह से बना के दिखा रही हूँ, जैसे जिनके पास सांचा नहीं है तो वो इस तरीके से बना के खा सकते हैं और ये सांचे में बने हुए भी। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। अप्पे बनाने के लिए हमें चाहिए, ये मैंने सूजी ली है 1 कटोरी, 1 कटोरी दही है, पानी जरूरत के अनुसार है, और लाल मिर्च पाउडर है, प्याज है कटा हुआ, गाजर कद्दूकस की हुई है, और ये फ्रोजन मटर है, और आप फ्रेश भी ले सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश मिल जाते हैं तो। और ये इनो है, और ये हरी मिर्च कटी हुई है, ये नमक स्वाद के अनुसार है, और टमाटर है बारीक कटे हुए, और ये रिफाइंड ऑयल है। तो फ्रेंड्स, अब हम इनको जो भी इंग्रेडिएंट्स रखे हैं इनको सबको मिक्स कर लेते हैं। इसमें सूजी, दही, सारा कुछ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मटर डाल रही हूँ, हरी मिर्च, सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और इनको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे क्योंकि गाढ़ा पेस्ट है, तो थोड़ा सा हमें पतला चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, लेकिन सूजी फूलती है, उसको फूलने के लिए थोड़ा पतला पेस्ट बनाना पड़ेगा, तो इसमें मैं थोड़ा पानी भी ऐड कर रही हूँ। और ये अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इतना ही गाढ़ा हमने बनाना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है और पतला भी नहीं करना है। तो इसको अब हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, और 10 मिनट के बाद फिर, अभी 10 मिनट हो चुके हैं तो इसमें अब हम इनो मिक्स कर लेते हैं। 1 चम्मच इनो मैं इसमें डाल रही हूँ। इनो जब हमने इसको बिल्कुल सांचे में डालना है उसी टाइम इनो इसमें मिक्स करें, पहले इनो मिक्स करके ना रखें, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सांचा मैंने रख दिया है और इसको अब हम ग्रीस कर लेंगे, ऑयल, रिफाइंड ऑयल लगा के इसमें ग्रीस कर लेंगे, और इसमें अब हम जो हमने पेस्ट बना के रखा है वो भर देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगी। और इस पे भी अब हम थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो लगा देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे, फिर हम इनको पलटेंगे। अब एक तरफ से हो चुके हैं और इसको हम दूसरी तरफ से पलट लेते हैं ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये पक जाएं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता होता है ये, तो आप कभी भी बना के खा सकते हैं। और दूसरी तरफ भी थोड़ा सा ऑयल इसमें लगा देंगे। और अब हमारे ये तैयार हो चुके हैं तो इनको अब हम उतार लेते हैं। और अब हम फ्राई पैन में मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, अगर आपके पास सांचा नहीं है तो ऐसे ही हम थोड़े थोड़े जो हैं छोटे छोटे बना के इसमें डालेंगे पैनकेक जैसे, और इसमें भी ऑयल लगा देंगे, और इनको भी हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। एक तरफ से हो गए हैं तो इसको दूसरी तरफ से भी हम पलट लेंगे, और थोड़ा सा ऑयल भी इन पे लगा देंगे। और ये हमारे अब तैयार हो चुके हैं, इनको भी अब हम उतार लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे बन गए हैं, और ये दूसरे पैनकेक भी बिल्कुल ऐसे ही बने हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो तवे पे बना सकते हैं। अप्पे हमारे तैयार हैं और बहुत ही अच्छे अप्पे बने हैं, बहुत टेस्टी होते हैं ये और बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ जल्द ही। थैंक यू।